हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जोड़ और घटाव का इस्तेमाल कर उम्र का अंदाजा लगाना सीखेंगे। देखिए, जीव राजू और बबलू को मिलने आया है। राजू और बबलू बहुत उत्साहित हैं। राजू जीव से कह रहा है कि काश वो भी उसकी तरह जल्दी से बड़ा होता, फिर वो सारे बड़े लोगों की तरह खुद की मर्जी से कहीं भी आ जा पाता और कोई उसे कुछ नहीं कहता। जीव ने उसे कहा कि बड़ा होना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन राजू ने उसकी बात नहीं मानी। तब जीव ने उसे और बबलू को अपनी उड़न तस्तरी में बिठाया और उड़न तस्तरी उड़ गई। राजू और बबलू थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को आईने में देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों अब बड़े हो गए थे। दोनों खुशी से नाचने लगे। जब उन्होंने जीव से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तब जीव ने उन्हें कहा कि वे साल 2049 में पहुंच गए हैं। अब राजू सोच रहा है कि उसका जन्म साल 2012 में हुआ है, तो 2049 में उसकी उम्र कितनी होगी? बच्चों, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं? राजू का जन्म 2012 में हुआ और अब वो 2049 में है, तो 2049 में उसकी उम्र का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये बहुत आसान है। जब भी हमें किसी व्यक्ति की भविष्य की उम्र किसी साल में कितनी होगी ये पता लगाना हो, तो हमें केवल भविष्य के साल में से उसके जन्म के साल की संख्या को घटाना होगा। यहाँ भविष्य का कौन सा साल है? 2049। और राजू का जन्म किस साल में हुआ? 2012। तो अब हमें क्या करना है? जी हाँ, हमें 2049 में से 2012 घटाना होगा। बच्चों, क्या आप इस घटाव को जल्दी से करने की प्रक्रिया जानते हैं? क्योंकि 2049 और 2012 में 1000 और 100 के स्थान की संख्याएं 2 और 0 बिल्कुल समान है। हम इस घटाव को 49 में से 12 घटाकर कर सकते हैं। अब 49 में से 12 घटाकर होंगे बिल्कुल ठीक 37। तो राजू की उम्र 2049 में हुई 37 साल। राजू ये जानकर कि वो अब 37 साल का हो गया है बहुत उत्साहित हो गया। अब बबलू सोच रहा है कि उसका जन्म तो 2014 में हुआ है, तो उसकी उम्र कौन से साल में 37 साल की होगी? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं? जब भी हमें किसी व्यक्ति की उम्र दी गई हो और पता लगाना हो कि भविष्य के किस वर्ष में उसकी उतनी उम्र होगी, तो हमें केवल उसके जन्म के वर्ष में वो उम्र जोड़नी होगी। बबलू का जन्म किस साल में हुआ है? 2014। और उसकी कौन सी उम्र दी गई है? 37। तो हमें क्या करना होगा? बिल्कुल ठीक, 2014 में 37 जोड़ना होगा। 2014 में 37 जोड़े तो कितने हुए? बिल्कुल ठीक,
2051। इस तरह बबलू 2051 में 37 साल का होगा। अब बबलू भी खुशी से नाचने लगा। लेकिन जब जीव ने उन्हें बताया कि अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें नौकरी करनी होगी और उसने उन्हें बड़े होने की और बहुत सारी जिम्मेदारियां समझाई, तो राजू और बबलू घबरा गए। उन्होंने जीव से कहा कि वे बच्चे ही ठीक थे। जीव उनकी बात पर हंस पड़ा। जीव ने अपनी उड़न तश्तरी पर कुछ बटन दबाए और उड़न तश्तरी फिर से जमीन पर आ गई। एक बार फिर राजू और बबलू बेहोश होकर होश में आए। जैसे ही वो होश में आए, दोनों फिर से अपनी सही उम्र के हो गए। दोनों अपने आप को पहले जैसा पाकर खुशी से नाचने लगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने जोड़ और घटाव का इस्तेमाल कर उम्र का अंदाजा लगाना सीखा। अगले वीडियो में हम दिलचस्प उदाहरण द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।